दोस्तों ड्रीम इलेवन हाउस जेट और माई इलेवन सर्कल क्या सच में सट्टा कंपनी है? आखिर ज्यादातर लोग इन फैंटेसी एप्स के पीछे अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आज हम बताएंगे इन एप्स के पीछे की काली सच्चाई। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। दोस्तों जब से आईपीएल की शुरुआत हुई तब से मानो इन फैंटेसी एप्स की बाढ़ सी आ गई। आखिर क्यों ये आपको करोड़ों कमाने का लालच देती है जहां आप मात्र 30 से 35 रुपए लगाकर इन एप्स में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन आपको कुछ घंटा प्राप्त नहीं होता? ये सच्चाई हम और आप सभी को पता है। तो आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट इन एप्स को बंद नहीं कर रही? देखा जाए तो ये एक तरीके से सट्टा ही है। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो ये सट्टा कंपनी नहीं बल्कि एक स्किल गेम है जहां पर आपको स्पेशली किसी टीम या किसी प्लेयर पर प्रिडिक्शन करनी होती है। ये आपकी नॉलेज और स्किल्स बेस होता है। इसलिए दोस्तों 2008 में ड्रीम इलेवन की शुरुआत हुई जिसका कोई भी अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं मिला। देखते देखते 2012 में मार्केट थोड़ा सा बड़ा हुआ और आईपीएल के साथ साथ कई और सारे स्पोर्ट्स गेम इनके साथ जुड़ने लगे और देखते ही देखते 2018 में ड्रीम इलेवन के 4.5 करोड़ यूजर्स हो गए। फिर देखते ही देखते मानो ड्रीम इलेवन जैसे कई सारे मार्केट में ऐप अवेलेबल हो गए। क्योंकि कुछ सालों पहले ड्रीम इलेवन को बंद करने के लिए काफी लोगों ने कोर्ट में अर्जी डाली कि ये एक सट्टा कंपनी है जो लोगों के पैसे को बर्बाद करती है और लोगों के समय को भी खराब करती है। ड्रीम इलेवन जैसी कई सारी कंपनियों ने अपनी पैर भी रखी और कोर्ट में भी ये प्रूव कर दिया कि ये एक सट्टा कंपनी नहीं है बल्कि ये स्किल बेस्ड एप्लीकेशन है जहां पे आपको मैच या किसी प्लेयर पर प्रिडिक्शन करना है जहां से आपकी नॉलेज बढ़ती है। अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल के आड़े आपके माइंड से खेलती है। जो टीम या जो प्लेयर आपको अच्छा लगा उससे ये अच्छा पैसा देकर उसे ब्रांड का प्रमोशन करवाते हैं एंड देन वही टीम और वही प्लेयर आपसे खुद बोलते हैं कि पैसा लगाओ और पैसे कमाओ। आपको लगता है कि विराट कोहली ने बोला या सचिन तेंदुलकर ने बोला कि पैसे लगाओ और 1 करोड़ कमा कर ले जाओ? और इसी तरीके से ये कंपनियां आपके दिमाग से खेलती है और आप धीरे धीरे इसके चक्कर में बर्बाद होते जा रहे हैं। अब चाहे इसमें आपका पैसा खराब हो, आपका घर खराब हो या आपका फ्यूचर खराब हो, इन एप्स को इनसे कोई भी मतलब नहीं। आखिरकार गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी है कि आप अपनी कंपनी को चलाइए। अगर आप ड्रीम इलेवन जैसी कई सारी एप्लीकेशन पर पैसा लगा के खेलते हैं, आप मैच में जीते या हारे इससे इनको कोई भी मतलब नहीं क्योंकि इसमें सरकार का तो 30% जाना ही जाना है। अब आप समझिए ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां पैसा कैसे कमाती है। मान लीजिए आईपीएल के अंदर किसी मैच के लिए कॉन्टेस्ट तैयार किया जाता है जिसमें कॉन्टेस्ट की फीस होती है 99 रुपीज। अगर उसमें 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो ये टोटल हो जाता है 1 करोड़ रुपए। इसमें से नंबर 1 रैंक लाने वाले को ही 80 लाख रुपए पे करते हैं और इनको मोटा मोटा बचता है 20 लाख रुपए आपकी और हमारी जेबों से ही जाता है। अभी हाल ही में चल रहे आईपीएल को ड्रीम इलेवन ने 250 करोड़ रुपए में स्पॉन्सर्ड किया है। अभी धीरे धीरे बाकी स्पोर्ट में भी अपने कदम रख रही है जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और बाकी खेल। आप और आपके बच्चे इन फैंटेसी एप्स में कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं और क्या वाकई में ये ऐप इंडिया के अंदर बैन होनी चाहिए, इसके बारे में भी अपनी राय हमें जरूर दें।